हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्केचअप किस तरह से वर्क करता है और उसकी बेसिक पैरामीटर्स क्या क्या है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ स्केचअप। तो जैसे ही आप स्केचअप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन मिलेगी। इसमें अगर आपने कोई रिसेंटली किसी फाइल पे काम किया है तो यहाँ पे आपको फाइल दिखेगी। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट सिंपल इंचेस, सिंपल मीटर, आर्किटेक्चरल इंचेस, आर्किटेक्चरल मिलीमीटर। सो आपको किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना है, कौन सा यूनिट सेट करना है, वो डायरेक्टली आप यहाँ से ही सेट कर सकते हैं। और आप अपने किसी भी यूनिट को, जैसे कि मैं ज्यादातर काम करता हूँ इंचेस में, तो उसे आप अपना फेवरेट भी बना सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा आप स्केचअप के अंदर जा सकते हैं। अब ये आपकी पहली स्क्रीन होगी स्केचअप के लिए। अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा टेम्पलेट सिलेक्ट करना था और गलती से कोई दूसरा यूनिट सिलेक्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसी टेम्पलेट में यूनिट चेंज कर सकते हैं। आप विंडोज पे जाइए, मॉडल इन्फो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिट्स, यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। आपको कितनी प्रिसीजन रखना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, एंगल का कितना प्रिसीजन रखना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट सेट करने के बारे में। अब दूसरा, ये जो सारे ऑप्शन है, फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रॉ, टूल, विंडोज, एक्सटेंशन, हेल्प, ये हम जैसे जैसे स्केचअप के बारे में और आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक एक यूनिट के बारे में बताता जाऊंगा। जैसे कि फाइल है तो फाइल एक सिंपल तरीके से ही वर्क करता है जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर में वर्क करता है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप कंट्रोल न्यू दबाए ओपन, अगर आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ या ओपन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है उसको आपको सेव करना है, सेव एज करना है, सेव एज टेम्पलेट करना है, जो कुछ भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई फाइल है जो कैड की फाइल है या दूसरे कोई सॉफ्टवेयर की फाइल है जो इसमें कंपेटेबल है, उसको आपको इंपोर्ट करवाना है तो आप यहाँ से इंपोर्ट भी करवा सकते हो और अपनी फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया फाइल के बारे में। अब हम सीधे चलते हैं कि ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये आपका टूल बार है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास दूसरे जितने भी सारे टूल बार है या फिर एक्सटेंशन प्लगइन आपने इंस्टॉल किए हुए वो सारे मुझे यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले जाके आप क्लिक कीजिए लार्ज टूल सेट। उससे क्या है कि आपको जो भी सारे बेसिक टूल सेट है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे टूल सेट आ गए तो ऊपर वाले टूल सेट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए और जो भी टूल सेट आपको नहीं चाहिए उस पर वापिस एक बार क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गई मेरी पहली स्क्रीन। ठीक है, अब हम रेफरेंस एक्सिस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तीन कलर की एक्सिस है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो ब्लू एक्सिस जो है वो अपवर्ड एक्सिस है, ग्रीन एक्सिस इस डायरेक्शन में जाएगी एंड दिस इज योर रेड एक्सिस। सो जो भी हमें काम करना है हमें इन तीनों एक्सिस के रेफरेंस में रह के ही काम करना है। अगर आपको सीन सेट करना है कि अभी मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ, मुझे इस व्यू से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपने माउस को ड्रैग करके अपने हिसाब से सीन सेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है ऑर्बिट, इसे सिलेक्ट करके लेफ्ट बटन से भी आप स्क्रीन सेट कर सकते हो। सो आज हम पहले डिस्कस करेंगे लाइन टूल के बारे में। सो अगर आपको लाइन टूल यूज करना है तो आप डायरेक्टली लार्ज टूल सेट पे जाके लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे पेंसिल का सिंबल दिया हुआ है। और अगर आपको शॉर्टकट की यूज करनी है तो आप कीबोर्ड पे एल प्रेस कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके कर्सर की जगह आपके पास है पेंसिल, तो दैट मीन्स कि आपका लाइन कमांड एक्टिवेट है। स्केचअप की एक बहुत बढ़िया खासियत यह है कि अगर आपको कोई भी टूल है वो आपको पता नहीं है कैसे यूज करे, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो सब कुछ लिखा हुआ है, एंटिटी इन्फो, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर, तो वो आपको लाइन टूल के बारे में दिखाता है कि आप कैसे लाइन टूल का यूज कर सकते हो। या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे भी देख सकते हो,
कि आप कैसे लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी दिखा रहा है सिलेक्ट स्टार्ट पॉइंट, सो कोई भी पॉइंट जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं ओरिजिन पे क्लिक करता हूँ। अब आपको दिखा रहा है सिलेक्ट एंड पॉइंट और एंटर वैल्यू, या तो आप इसको खींच के लाइन को लंबा भी कर सकते हैं या फिर आप वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी मुझे ऐसे रेंडमली लाइन बनानी है, तो मैंने यहाँ पे खींच के यहाँ पे लाइन बना दी। अगर आपको जानना है कि कितनी लेंथ की लाइन हमने बनाई है तो जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एंटिटी इन्फो उस पे जाइए। सो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि वो आपने जो लाइन बनाई है वो कौन सी लेयर में है, कितनी उसकी लेंथ है। मान लीजिए ये लाइन जो थी वो आपको 15 फीट की बनानी थी, पर बाय मिस्टेक आपने 14 फीट बना दी, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं 15 फीट। सो वो लाइन अभी हो जाएगी 15 फीट। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि कैसे आप लाइन को डायरेक्टली एक्यूरेट मेजरमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन लाइन कमांड सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, एंड मुझे लाइन बनानी है रेड एक्सिस के पैरेलल। सो मैंने यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट की है लाइन। अब डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो 15 फीट एंड एंटर। सो योर लाइन, अभी जो आपकी लाइन है वो 15 फीट की ही बनेगी। अब मान लीजिए मुझे स्क्वायर बनाना है 15 फीट का, तो मैं वही लाइन को अभी ब्लू एक्सिस की ओर लेके जा रहा हूँ, तो मुझे ब्लू एक्सिस में 15 फीट चाहिए, सो 15 फीट। अब मुझे थर्ड पॉइंट चाहिए इसके रेफरेंस में, तो अभी आपको 15 फीट लिखने की जरूरत नहीं है, आपके फर्स्ट पॉइंट का रेफरेंस ले लीजिए। ये आपका हो गया स्क्वायर 15 बाय 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आप कोई कॉम्प्लेक्स ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो और तब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइन जो है वो कौन सी एक्सिस में जा रही है, पर आपको रेफरेंस एक्सिस के पैरेलल ही कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप वो कैसे करेंगे, तो वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन आप लाइन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि मुझे जो अभी लाइन बनानी है वो अभी ग्रीन एक्सिस के पैरेलल बनानी है। सो ग्रीन एक्सिस के लिए आपके कीबोर्ड में आप लेफ्ट एरो की प्रेस कर सकते हैं एंड आप लाइन को ड्रैग करते जाइए। अभी आप देखेंगे कि वो लाइन जो है वो ग्रीन एक्सिस के पैरेलल ही बनेगी। अभी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि वो ग्रीन एक्सिस को टच होने जा रही है, बट एक्चुअली वो पर्सपेक्टिव व्यू के कारण आपको दिखाई दे रहा है। अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ उसको, ठीक है। अभी यहाँ से मान लीजिए कि मुझे जो लाइन है वो मुझे ब्लू एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो आप अपवर्ड की प्रेस करके रखिए और आपको जितना ऊपर जाना है आप जा सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि मुझे रेड एक्सिस के लिए चाहिए, तो आप रेड एक्सिस के लिए राइट की प्रेस करके रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे एक लाइन निकालनी है। अब मुझे पता है कि अभी जो मेरी लाइन है वो रेड एक्सिस के पैरेलल है, बट अगर मैं उसको चेंज करूंगा कुछ व्यू तो वो चेंज भी हो सकती है लाइन, तो मुझे लाइन चेंज नहीं करनी है, मुझे वही लाइन आगे की ओर बढ़ानी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप शिफ्ट बटन दबा के रखिए और अभी आप चेंज कीजिए, कहीं पे भी कैसे भी वो लाइन वहीं पे जाएगी। तो जितना भी आपको लाइन को लंबा करना है आप लाइन लंबी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ तक मैंने लंबी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो डायमेंशन है वो मुझे पता नहीं था कि मैंने कितना रखा है, पर मुझे वो 40 फीट की लाइन बनानी थी, तो यहाँ पे आप 40 फीट टाइप कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो अगर वो लाइन छोटी होगी तो अपने आप बड़ी हो जाएगी 40 फीट के अकॉर्डिंग, और अगर वो लाइन बड़ी है तो अपने आप छोटी भी हो जाएगी। तो आपको जब भी आप स्केचअप यूज करते हो तो आपको डायमेंशन के बारे में, लेंथ के बारे में, या फिर कोई भी डायमेंशन, रेक्टेंगल का डायमेंशन हो, किसी और चीज का डायमेंशन हो, उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप ड्रॉ होने के बाद भी उसे चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सारा पेंसिल टूल के बारे में। अब हम नेक्स्ट टूल पे जाएंगे, नेक्स्ट टूल फ्री हैंड ड्रॉइंग। सो फ्री हैंड ड्रॉइंग स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए जो जिनका माउस पे कंट्रोल बहुत ज्यादा है।
फ्री हैंड ड्रॉइंग आपको कोई भी शेप बना के दे सकता है विदाउट एनी प्लग इन, विदाउट एनी एक्सटेंशन और कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज किए बिना, ठीक है। सो ये हो गया आपका फ्री हैंड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मान लीजिए कि मुझे ओरिजिन से रेक्टेंगल बनाना है, तो क्लिक ऑन द ओरिजिन एंड ड्रैग योर माउस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो रेक्टेंगल बन रहा है वो ब्लू कलर का दिखा रहा है। दैट मीन्स के जो भी हमारा रेक्टेंगल अभी हम बना रहे वो ब्लू एक्सिस के रेफरेंस से बना रहे, ठीक है। अब आप उसको जितना भी खींचना चाहे खींच लीजिए, जैसा शेप देना चाहते हो आप दे सकते हो, और फिर एक और बार क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में आपको डायमेंशन दिखा रहा है कि आपका जो रेक्टेंगल बना है वो कितने डायमेंशन का बना है। मान लीजिए कि वो रेक्टेंगल आपको बनाना था 10 फीट बाय 12 फीट का, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 10 फीट, 12 फीट एंड हिट एंटर। सो अभी आपका जो रेक्टेंगल है वो 10 फीट बाय 12 फीट का बन जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप डायमेंशन टाइप कर सकते हैं जिससे आपका रेक्टेंगल एग्जैक्टली वही साइज का बनेगा जो आप बनाना चाहते हो। जैसे कि आप पहले पॉइंट पे क्लिक कीजिए, नाउ ड्रैग एंड विदाउट हिटिंग द क्लिक बटन जस्ट टाइप द डायमेंशन 10 फीट, 12 फीट। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल 10 बाय 12 का। चलिए अब हम देखते हैं कि उसी रेक्टेंगल को अगर हमें रेफरेंस एक्सिस के थ्रू बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई भी रेक्टेंगल बना रहे जो टॉप व्यू के लिए यूज होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि शॉर्टकट की फॉर डिफरेंट एक्सिस कौन कौन सी है। जैसे कि आपको रेफरेंस एक्सिस चाहिए अभी ब्लू, तो ब्लू के लिए आप अपवर्ड एरो की प्रेस कर सकते हैं एंड आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो वो सेम प्लेन में ही ड्रॉ होगा, जैसे कि हमने पहले दो रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको सामने की साइड वाला चाहिए, दैट मीन्स अगर आप कोई एलिवेशन पार्ट के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए। अब आप देखिए कि उस रेक्टेंगल में ग्रीन आइकॉन अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स कि अभी आप कोई भी रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो रेक्टेंगल आपकी सामने की साइड ही रहेगा। सिमिलर वे अगर आपको कोई साइड व्यू के लिए बनाना है तो आप राइट एरो की प्रेस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो रेक्टेंगल है वो आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे पर वो साइड व्यू में ही बनेगा। तो ये सारे शॉर्टकट्स है जो आप कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल रेक्टेंगल के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कमांड की ओर, रोटेटेड रेक्टेंगल। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको इंक्लाइन सरफेस की जरूरत है, तो आप इंक्लाइन रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से कमांड एक्टिवेट कीजिए रोटेटेड रेक्टेंगल। पहले आप अपना बेस सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे जो रेक्टेंगल बनाना है उसकी साइज कितनी होगी। लेट कंसिडर कि मुझे 15 फीट का रेक्टेंगल बनाना है, जस्ट टाइप 15 फीट एंड हिट एंटर बटन। तो आपका बेस यहाँ पे फिक्स हो गया 15 फीट। अब आपको सेकेंड साइड जो है उसकी लेंथ कितनी रखनी है। मान लीजिए मुझे जो सेकेंड साइड है उसकी लेंथ 10 फीट रखनी है, सो टाइप कीजिए 10 फीट। उसके बाद आपको एंगल कितना रखना है, सो कोमा एंड टाइप द एंगल। फॉर एग्जाम्पल के मुझे 45 डिग्री पे अपना रेक्टेंगल बनाना है, सो जस्ट टाइप 45 एंड हिट एंटर बटन। सो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल तैयार हो गया 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक सिंपल रेक्टेंगल बनाया। अभी इसी रेक्टेंगल के एक साइड के ऊपर से मुझे इंक्लाइन रेक्टेंगल चाहिए, सो इंक्लाइन रेक्टेंगल के लिए फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका बेस सिलेक्ट हो गया। अब आपको कितनी इंक्लिनेशन पे अपना रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर सेकंड साइड आपको सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप रेफरेंस भी ले सकते हो कि उसी साइज में आपको कितने एंगल पे चाहिए। आपको जो भी एंगल चाहिए वो आप सेट कर सकते हो मैन्युअली भी और आप टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अभी चाहिए यहाँ पे 30 डिग्री, जैसे ही आप 30 डिग्री पर पहुंचे आप क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल बन गया 30 डिग्री। ये हो गया आपकी रेक्टेंगल कमांड के बारे में। सर्कल एंड आर्क टूल का यूज किस तरह से करते हैं,
तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्कल टूल की ओर। तो सबसे पहले सर्कल टूल यूज करने के लिए या तो आप लार्ज टूल सेट से आपसे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड पे आप सी प्रेस कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि सर्कल कमांड एक्टिवेट हो गया है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जस्ट सिलेक्ट सेंटर पॉइंट एंड ड्रैग योर माउस। मान लीजिए कि मुझे रेडियस रखनी है 15 फीट, तो आप टाइप कर सकते हैं 15 फीट एंड हिट एंटर बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सर्कल बन गया। पर अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका सर्कल परफेक्ट सर्कुलर शेप में नहीं है, वो लाइन सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो अगर मुझे उसे परफेक्ट सर्कुलर शेप में बनाना है, मुझे जस्ट नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्रीज करना है। सो नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्रीज करने के लिए जस्ट टाइप कीजिए, मान लीजिए हमें नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ा के करने हैं 50। सो जस्ट टाइप 50 एंड एस एंड हिट एंटर बटन। सो अब आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सर्कुलर शेप में ज्यादा दिखेगा। अगर और भी आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं 100s। अब आप देखोगे तो वो बिल्कुल सर्कुलर लगेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे कोई भी पॉलीगॉन बनाना है तो आप सर्कल टूल यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि इसी सर्कल में से अगर मुझे हेक्सागोन बनाना है तो जस्ट टाइप कीजिए 6s और यहाँ पे आपका हेक्सागोन बन जाएगा। सेम वे अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो आप टाइप कीजिए 3s। सो सर्कल टूल का इस्तेमाल करके आप 3 से लेके 999 साइड्स का कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल टूल के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर, जो कि उसके बाजू में पॉलीगॉन। सो पॉलीगॉन टूल भी इसी तरह से यूज होगा। बाय डिफॉल्ट वो हेक्सागोन बनेगा। मान लीजिए कि आपको जो हेक्सागोन बनाना है उसका सेंटर से एपेक्स तक का डिस्टेंस 10 फीट का रखना है, तो जस्ट टाइप 10 फीट एंड हिट एंटर बटन। सो ये बन गया आपका हेक्सागोन। अभी उसी हेक्सागोन को अगर आप ट्राइंगल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टाइप कीजिए 3s। यहाँ पे हो गया आपका ट्राइंगल। सिमिलरली आप 10 साइड वाला कोई भी पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं, सो 10s यहाँ पे बन गया। अब अगर इसी को आप सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं सो टाइप कीजिए लेट्स कंसीडर 120s। सो ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेक्सागोन टूल के बारे में। अभी इसी टूल में जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको कोई भी ज्योमेट्री रेफरेंस एक्सिस के माध्यम से ड्रॉ करना है तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई भी सर्कल रेड एक्सिस के रेफरेंस से ड्रॉ करना है तो जस्ट प्रेस राइट की। तो अब आप देखिए आपका सर्कल जो है वो आपको रेड दिखाएगा, दैट मीन्स कि वो रेड एक्सिस के रेफरेंस से ड्रॉ हो रहा है। सेम वे अगर मुझे ग्रीन एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो लेफ्ट की आप यूज कर सकते हैं। सेम वे अगर ब्लू एक्सिस के लिए तो आप अपवर्ड की यूज कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट वो ब्लू एक्सिस पे ही सिलेक्टेड होगा। सो इस तरह से आप सर्कल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे आर्क टूल के बारे में। तो सर्कल के नीचे दिया हुआ है 4 टाइप के आर्क दिखाई दे रहे हैं, तो हम चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पहले आर्क टूल के बारे में बात करते हैं। तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सिलेक्ट करने के बाद उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जब पहला आर्क टूल यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना सेंटर पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मुझे सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखना है इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे, सो आप सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। अब आप उसका पहला पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए सेंटर से मुझे पहला पॉइंट 15 फीट की दूरी पे चाहिए, सो टाइप कीजिए 15 फीट हिट एंटर बटन और यहाँ पे आपका पहला पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब आप इस आर्क को किसी भी डायरेक्शन में कोई भी एंगल पे रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो आर्क है मुझे 120 एंगल पे चाहिए, तो आप जस्ट टाइप कीजिए 120 एंड हिट एंटर बटन। सो ये आर्क बन गई आपकी 120 पे। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं आपकी आर्क टूल का। अब हम देखेंगे दूसरे ऑप्शन के बारे में। सो दूसरा ऑप्शन है 2 पॉइंट आर्क। 2 पॉइंट आर्क में आपको पहले स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है, फिर एंडिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है, और सेंटर से वो कितनी दूरी पर रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। सो मान लीजिए कि मुझे सेंटर से उसकी दूरी 15 फीट चाहिए, सो आप टाइप कर सकते हैं 15 फीट एंड हिट एंटर बटन। तो ये हो गया दूसरे आर्क टूल के बारे में। अब हम देखेंगे 3 पॉइंट आर्क कैसे बनाते हैं। 3 पॉइंट आर्क बनाने के लिए आपको पहला पॉइंट सिलेक्ट करना है, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना है, और अभी आप अपने माउस को ड्रैग करते जाएंगे
सो आपकी जो आर्क है वो पहले दो पॉइंट से निकल के आपको लास्ट पॉइंट कहाँ पे एंड करना है और कैसा शेप देना है वो आपको बताना है। मान लीजिए कि मुझे जो शेप देना है वो 180 डिग्री पे देना है, सो आप टाइप कर सकते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे बन गई आपकी आर्क। सो 180 डिग्री जो एंगल बनेगा वो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर बने, ठीक है। सो इस तरह से आप तीनों आर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप उस आर्क टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो आर्क है वो एज अ लाइन ही बनी है। अब मान लीजिए कि आपको जो बनाना है वो सॉलिड शेप में बनाना है, तो उसके लिए आपको फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पाई। तो पाई का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले आप अपना सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मुझे सेंटर रखना है। अब आपके आर्क की रेडियस कितनी रखनी है वो डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए मुझे 25 फीट रखना है, सो 25 फीट एंड हिट एंटर बटन। तो यहाँ पे आपकी रेडियस सिलेक्ट हो गई। अब आपको कितने एंगल पे वो आर्क को लेके जाना है, तो मान लीजिए मुझे अभी 90 डिग्री पे लेके जाना है। सो 90 डिग्री पे आप मैन्युअली भी रख सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सॉलिड पाई। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी इसकी साइड भी जो है वो परफेक्ट सर्कुलर शेप में नहीं है। तो उसे परफेक्ट सर्कुलर में बनाने के लिए आप जस्ट नंबर ऑफ साइड को बढ़ा दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो परफेक्ट सर्कुलर शेप में बन गई, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी सर्कुलर शेप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं सर्कल एंड आर्क की मदद से। चलिए, तो अब हम देखते हैं मूव कमांड का यूज किस प्रकार हम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस रेक्टेंगल को मूव करवाना है, तो आप उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए। अब मूव कमांड को एक्टिवेट करने के लिए या तो आप टूल बार में से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से टाइप कीजिए एम। अभी आप देख सकते हैं कि मूव कमांड एक्टिवेटेड है। अब इस रेक्टेंगल को मूव करने के लिए आप उसका बेस पॉइंट सिलेक्ट कीजिए जहां से आप उसको मूव करना चाहते हैं एंड जस्ट ड्रैग योर माउस। फिर आप दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कीजिए जहां पे आप उसे रखना चाहते हैं। मान लीजिए आप उसे किसी रेफरेंस एक्सिस के माध्यम से मूव करवाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसे अपवर्ड मूव करवाने के लिए अप एरो की। अब आप उसको वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, ऊपर या नीचे। सो जितना भी आपको मूव करवाना है जस्ट टाइप कीजिए। मान लीजिए मुझे 10 फीट मूव करवाना है, सो टाइप कीजिए 10 फीट एंड हिट एंटर। सो अभी वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन से 10 फीट ऊपर है। इसी तरह से आप रेड एक्सिस में मूव करवाने के लिए प्रेस कीजिए राइट एरो की। अब आप उसको मूव करवा सकते हैं। मान लीजिए मुझे 5 फीट मूव करवाना है, सो आप टाइप कर सकते हैं 5 फीट। इसी तरह से ग्रीन एक्सिस के लिए आप लेफ्ट एरो की यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मूव कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं अगर हमें इसकी दूसरी कॉपी बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। कॉपी बनाने के लिए भी हम मूव कमांड का ही इस्तेमाल करेंगे। पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अब आप अपने माउस को ड्रैग कीजिए एंड हिट कंट्रोल बटन। सो अभी आप देख सकते हैं कि एक कॉपी बन गई उसकी। तो अभी पहले पॉइंट से मान लीजिए मुझे इस कॉपी को 15 फीट दूर रखना है, सो टाइप कीजिए 15 फीट एंड हिट एंटर। तो ये हमारी कॉपी बन गई। अगर इसी रेक्टेंगल की हमें 5 कॉपी बनानी है, जस्ट आप टाइप कर सकते हैं मल्टीप्लाई 5 एंड हिट एंटर। सो आप देख सकते हैं कि 5 कॉपी बन के तैयार हो गई और एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपका सेम रहेगा। अभी इसी तरह से मान लीजिए कि मुझे ऐसी 5 लाइनें बनानी है, तो पहले आप इन 5ों को सिलेक्ट कीजिए, फिर से मूव कमांड एक्टिवेट कीजिए, पहला पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बटन दबाइए। अब मान लीजिए रेड एक्सिस में मुझे 15 फीट की दूरी पे चाहिए, तो आप 15 फीट लिख के एंटर कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आप देख सकते हैं कि आपका रेक्टेंगल का एरे बन चुका है। अभी मान लीजिए कि आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट पता है पर एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस नहीं पता है, तब आप एरे कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। 5ों को आप सिलेक्ट कीजिए, मूव कमांड एक्टिवेट करके पहला पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बटन दबाइए और जो आपका लास्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस टाइप कीजिए। मान लीजिए मेरा जो लास्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस है 90 फीट, सो मैं टाइप करता हूँ 90 फीट, हिट एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 फीट के डिस्टेंस पे हमारी एक लाइन बन चुकी है। अगर इन दोनों के बीच में मुझे और 4 लाइनें चाहिए तो आप जस्ट टाइप कीजिए डिवाइड 5 एंड हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच में और नई 4 लाइनें आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी एरे बना सकते हैं मूव कमांड के इस्तेमाल से। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की ओर, पुश पुल कमांड। मान लीजिए इस रेक्टेंगल को मुझे 2D में से 3D में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप उसकी सरफेस को सिलेक्ट कीजिए,
पुश पुल कमांड एक्टिवेट कीजिए या प्रेस कीजिए पी, अब आप देख सकते हैं कि वो 2D जो है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी तरह से आप उसे कोई भी साइड से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर से मुझे छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। अभी इसी तरह से अगर मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाता हूँ, अगर उसकी हाइट भी मुझे सेम रखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहला जो बॉक्स हमने बनाया है उसी का आप रेफरेंस ले सकते हैं। जस्ट उसकी सरफेस पे जाके क्लिक कीजिए और दोनों की हाइट सेम रहेगी। अगर मान लीजिए कि साइड व्यू से भी आपको उसे सेम साइज का करना है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पुश पुल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हमें इसे रोटेट करना है तो हम इसे रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोटेट करने के लिए उसे सिलेक्ट कीजिए, तो ट्रिपल क्लिक से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, फिर रोटेट कमांड एक्टिवेट कीजिए। अभी आपको उसे कौन सी रेफरेंस एक्सिस पे रोटेट करवाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन, रेड, ब्लू। मान लीजिए हमें ब्लू एक्सिस के रेफरेंस से उसे रोटेट करवाना है, तो आप पहला पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, अभी रोटेशन लाइन सिलेक्ट कीजिए, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब आप उसे जितने चाहे उतने एंगल पे रोटेट करवा सकते हैं। मान लीजिए मुझे उसे 90 डिग्री पे रोटेट करवाना है, तो जस्ट टाइप कीजिए 90 एंड हिट एंटर। सो अभी ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि इस बॉक्स को हमें रेड एक्सिस पे रोटेट करवाना है, तो आप रेड एक्सिस का पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, अब रोटेशन एक्सिस सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे आप उसे रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप रोटेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको सर्क्यूलर एरे बनाना है, तो उसके लिए भी आप रोटेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद रोटेशन कमांड एक्टिवेट कीजिए। मान लीजिए मुझे जो सर्क्यूलर एरे बनाना है उसका सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, आप फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि वो सर्कल में सेम रेडियस से रोटेट हो रहा है। कॉपी बनाने के लिए आप कंट्रोल की प्रेस कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उसकी कॉपी बन गई। मान लीजिए कि मुझे जो दूसरी कॉपी बनानी है वो 45 डिग्री के एंगल पे चाहिए, तो टाइप कीजिए 45, हिट एंटर और यहाँ पे आपकी कॉपी जनरेट हो गई। मान लीजिए ऐसी ही मुझे 45 डिग्री पे पांच और कॉपी चाहिए, सो मल्टीप्लाई 5, एंटर, तो आप देख सकते हैं कि पांच और कॉपी नई बन गई। इस तरह से आप सर्क्यूलर एरे बना सकते हैं, जो कि आपको स्पाइरल स्टेयर बनाने में यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की ओर, जो है फॉलो मी टूल। अब फॉलो मी टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उसके लिए पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब इस रेक्टेंगल की चारों ओर मुझे सेम पैटर्न बनानी है, तो उसके लिए मैं फॉलो मी टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको पैटर्न चाहिए वो आप बना लीजिए। मान लीजिए कि मुझे एक सिंपल रेक्टेंगल की पैटर्न चाहिए, तो यहाँ पे मैंने वो रेक्टेंगल बना लिया। अब उस रेक्टेंगल को आप मूव कमांड के इस्तेमाल से कोई भी एक एज के ऊपर रख दीजिए। आगे आप सारी एजेस सिलेक्ट कीजिए जिस पे आपको ये रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी सारी एजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। एज सिलेक्ट हो जाने के बाद फॉलो मी टूल एक्टिवेट कीजिए और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फॉलो मी टूल वर्क करता है। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न हो वो आप एक ही मिनट में आप सारी जगह पे बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कमांड की ओर, जो है स्केल। मान लीजिए हमने जो ड्रॉइंग बनाया है उसे हमें छोटा या बड़ा करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कीजिए, स्केल कमांड एक्टिवेट कीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको येलो लाइन एंड ग्रीन बॉक्सेस दिखेंगे, दैट मींस कि आपका स्केल कमांड एक्टिवेटेड है। अभी इस बॉक्स को अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और आपको जितना छोटा या बड़ा करना है इतना आप कर सकते हैं। सेम वे अगर मान लीजिए कि मुझे डायगोनली उसे बड़ा करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इस कमांड की मदद से आप उसे कोई भी शेप में बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्केल के बारे में। अब हम देखते हैं कि ऑफसेट कैसे लेना है। तो ऑफसेट लेने के लिए मैं फिर से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अभी आप ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी आप ऑफसेट लेने के लिए कोई भी एज सिलेक्ट कीजिए और अपने माउस को ड्रैग कीजिए। मान लीजिए कि मुझे जो ऑफसेट चाहिए वो 1 फीट की दूरी पे चाहिए, सो टाइप कीजिए 1 फीट एंड यहाँ पे आपका ऑफसेट बन गया। तो जब भी आप वॉल बनाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको यूजफुल रहेगा। अब हम आगे के कमांड फटाफट देख लेते हैं। अगला जो कमांड है वो है टेप मेजरमेंट टूल। मान लीजिए आप इस साइड के फेस पे
5 फीट की दूरी पे कोई डिजाइन बनानी है तो क्या कर सकते हैं आप, टेप मेजरमेंट टूल एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, एंडिंग पॉइंट के लिए आप टाइप कर सकते हैं 5 फीट, तो आपको एक रेफरेंस लाइन बना के देगा जो कि 5 फीट की दूरी पे होगी। अब यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं 5 फीट की दूरी पे। तो इस टूल की मदद से आप मेजरमेंट लेके अपनी डिजाइन को पूरा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको डायमेंशन देना है, कोई भी आप 2D ड्राइंग बना रहे हैं या 3D ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसके लिए डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे डायमेंशन टूल भी अवेलेबल है। डायमेंशन टूल को एक्टिवेट कीजिए, आप जिस एज को डायमेंशन देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और वो आपको डायमेंशन बता देगी। जैसे कि अगर आपको इस एज के बारे में जानना है कि वो कितनी लंबी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डायमेंशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई एंगल जानना है कि कितने एंगल पे अगर आपने कोई लाइन बनाई हुई है वो कितने एंगल पे है, तो आप वो एंगल भी मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर टूल की मदद से। सो आप यहाँ पे जाके फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, सो आपको वो एंगल बताएगा कि वो एंगल कितना है। अभी जो एंगल है वो 40.1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोटेक्टर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ टेक्स्ट इंक्लूड करनी है तो हम टेक्स्ट कैसे इंक्लूड करवा सकते हैं। तो उसके बाजू में आपका टेक्स्ट कमांड है, तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए। आपको जिस किसी फेस के बारे में कुछ लिखना है तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि वो अभी आपको एरिया दिखा रहा है कि उसका एरिया कितना है, 82.88 फीट स्क्वायर। अगर आपको इस टेक्स्ट को एडिट भी करना है तो आप अंदर जाके आप एडिट भी कर सकते हैं और मैन्युअली आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई 3D टेक्स्ट इंक्लूड करना है तो उसके नीचे कमांड है 3D टेक्स्ट, आप उसे एक्टिवेट कीजिए। आपका जो भी लिखना है वो टाइप कीजिए, जैसे कि स्केचअप, और उसे प्लेस कर दीजिए। आपको कहाँ पे रखना है उसे प्लेस कर दीजिए। अगर आपको उसका कलर भी चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से पेंट बकेट एक्टिवेट करवा सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप उसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल में भी मुझे सेम कलर चाहिए और आपको याद नहीं है कि आपने कौन सा कलर सिलेक्ट किया हुआ था, तो आप वो कैसे कलर कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके सिंपल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपल पेंट को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी कलर है उसे आप सिलेक्ट कीजिए, तो अब आप देखेंगे तो आपको वापिस वही कलर मटीरियल में दिखाएगा। अब आप उसमें वही कलर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पेंट बकेट और सिंपल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी जो ये सारी रेफरेंस एक्सिस हमने ड्रॉ की थी अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो आप इरेजर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप उसे इरेज कर सकते हो। अगर ये वाली बीच वाली लाइन भी अगर मुझे नहीं चाहिए तो भी आप उसे इरेज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे सारे बेसिक कमांड के बारे में। अब आप इस सारे कमांड की मदद से अपना ड्रॉइंग स्टार्ट कर सकते हैं और आप जो भी बनाना चाहे वो स्केचअप में बना सकते हैं। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स पे।